हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका तरुण शर्मा ब्लॉग्स में TSP फैमिली। गाइस आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा किया है। 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं तो फ्रेंड्स इसके बाद तो मेरे पास कोई शब्द है ही नहीं। आपको कैसे मैं शुक्रिया अदा करूँ, जितना करूँ उतना कम है। तो मैंने सोचा भी नहीं था मैं इस मुकाम पे पहुँच पाऊंगा और आप लोगों की बदौलत ओनली। तो गाइस ऐसे है, आज का ये व्लॉग हमारा सेकेंड डे था। बगलामुखी से जब आ रहे थे हमने बगलामुखी माता के दर्शन किए सुबह पहले, फिर ज्वाला जी माता के दर्शन किए, फिर हम चिंतपूर्णी माता से फिर हम रिटर्न घर को हुए। तो आज का ये व्लॉग आपको पसंद आए तो होप करता हूँ, देखना और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और फ्रेंड्स सब्सक्राइब का बटन तो भाई दबा दबा के ग्रे कर ही दो। फ्रेंड्स वो क्या है ना कि वो जो लाल बटन है ना वो आपके राइट साइड में, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता यार लाल कलर। तो लाल वैसे भी डेंजर कलर है, तो खतरे से खाली नहीं है, तो जब तक हम उसको ग्रे नहीं कर देंगे तो वो खतरा मेरे दिमाग से जाएगा नहीं। तो भाई समझा करो, और आपके भाई की इज्जत का सवाल भी है और आपके चैनल को और आगे बढ़ाना है हमने, प्लीज उसको तो आप दबा ही दो यार, अब तो बहुत हो चुका। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए तरुण शर्मा ब्लॉग्स। गाइस कैसे हैं आप सब? तो हम अभी ज्वाला जी से बगलामुखी जा रहे हैं। रास्ते में हमें ये गन्ने के जूस, हमने कल भी पिया था तो कल वीडियो नहीं बनाया, कल शाम हो गई थी। तो ये गन्ने का जूस इतना टेस्टी है, यहाँ पे हिमाचल का गन्ना है जो बहुत टेस्टी है जूस इसका, हरनाम सिंह जी उनका नाम है। बीस रुपये का गिलास है ये, कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट भी नहीं है। आप पियो और हमारे इंडियन कल्चर को प्रमोट करो। ये आ गया जी हमारा जूस। लाइन देखो कितनी लंबी है यार। Oh, oh, oh.
ये पगला मुखी के द्वार है जहाँ से बाहर आते हैं सभी, वो लाइन लगी हुई है। ये हवन कुंड है, अभी हवन दिखाते हैं आपको। हवन कुंड हो रहा है, बोल सचे दरबार की जय, धर्म की जय। ये देखो हिमाचल का नजारा, ये है सिंधी।